जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक रैली निकाली जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों का आरोप है कि पिछले 8 साल से कृषि क्षेत्र में कोई भी सरकारी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही, जिसके चलते कृषि छात्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है। यदि जल्द ही मामले में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कृषि छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय के छात्र आज सड़कों पर उतरे। मामला था सरकार द्वारा की जा रही इनकी अनदेखी का। मध्य प्रदेश में बीते 8 साल में कृषि विभाग में कोई पद नहीं निकाले हैं, जिसके चलते कृषि छात्र परेशान हैं और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि कांग्रेस या बीजेपी सरकार कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बीते 8 सालों से शासन ने कोई पद नहीं निकाला, जिसके चलते कृषि विभाग के छात्रों में जमकर बेरोजगारी है। यदि मामले में शासन ने जल्द ही कोई उचित कदम नहीं उठाया तो कृषि छात्र पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ। बढ़ती बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी लगातार कृषि छात्रों की अनदेखी करती है मध्य प्रदेश सरकार, जिसके खिलाफ इंदौर में पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके साथ ही आज हम जबलपुर में भी हमने रैली निकाली है। आगे हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे अगले कुछ ही दिनों बाद। अगर वहाँ पे भी सरकार हमारी इन मांगों का निराकरण नहीं करती है तो हम भोपाल जाएंगे। लगभग कृषि क्षेत्र में 5 से 6 हज़ार पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार द्वारा लगातार हम लोगों को वो बोला जा रहा है कि हम बहुत ही जल्द पद निकालने वाले हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कांग्रेस सरकार हो गए बने हुए। पिछले 5 से 7 साल बीजेपी सरकार थी, तब भी कोई पद नहीं निकले। लगातार 8 से 9 वर्षों तक कृषि क्षेत्र में कोई पद नहीं निकाले गए।